वो और कुछ कहाँ होती है, वो और कुछ कहाँ होती है, माँ तो बस माँ होती है। उसके तसव्वुर में बस ममता भरी फिक्र होती है, सिर्फ उनकी, जिन बच्चों की वो जान होती है, माँ तो बस माँ होती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे स्वयं प्रभा। आज है अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे और मदर्स डे पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सबको पता है कि आज भी और हमेशा से भी एक ही रिश्ता है जो दुनिया में सबसे सच्चा है और सबसे प्यारा रिश्ता है, और वो है माँ का रिश्ता अपने बच्चों के साथ। हमें बहुत अभिमान की अनुभूति होती है इस सत्य को जानकर कि विश्व का सबसे सुंदर और सशक्त रिश्ता है हमारा अपनी माँ से। दुनिया के हर बच्चे के लिए माँ की ममता का आंचल बेहद जरूरी होता है। बॉलीवुड में भी माँ और बच्चों के रिश्ते को अहमियत दी गई और इस तरह की बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई जो माँ और बच्चों के बीच के प्यार को दिखाती है। मदर्स डे के खास मौके पर आपको बताएंगे उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए एक्टिंग को अपने कैरियर के तौर पर चुना। इन सेलेब्स ने माँ से न केवल अदाकारी सीखी बल्कि बहुत नाम भी कमाया। सबसे पहले बात करते हैं आलिया भट्ट की। बॉलीवुड की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी आलिया भट्ट की माँ सोनी राजदान भी 80 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं। माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए आलिया भट्ट ने भी अभिनय में अपना कैरियर बनाया और आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की रेस में सबसे ऊपर हैं। आलिया भट्ट और सोनी राजदान की जोड़ी ने फिल्म राजी में साथ में स्क्रीन भी शेयर किया। अब बात करते हैं दो कपूर बहनों यानी करिश्मा कपूर और करीना कपूर की। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकाराओं में शुमार कपूर सिस्टर्स यानी करिश्मा कपूर और करीना कपूर खान की माँ बबीता भी अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी हैं। आपको याद होगा दोस्तों, कचरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कचरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। ये मशहूर गाना बबीता पर और उनके को एक्टर विश्वजीत पर ही फिल्माया गया था। लेकिन रणधीर कपूर से शादी करने के बाद उन्होंने अभिनय जगत को अलविदा कह दिया, क्योंकि उस जमाने में कपूर परिवार की बहुएं काम नहीं करती थीं, फिल्मों में काम नहीं करती थीं। अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए करिश्मा और करीना ने भी अभिनय को अपना कैरियर चुना और इसमें उनकी मां बबीता ने उनका भरपूर साथ दिया और हमेशा उनके लिए उनके साथ खड़ी रही। करिश्मा कपूर और करीना कपूर आज बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियां हैं। करिश्मा और करीना दोनों को ही बॉलीवुड में लाने का श्रेय बबीता को ही जाता है। दिग्गज अभिनेत्री तनुजा की बेटी काजोल ने भी अपनी मां के अभिनय करने की कला को अपना और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अभिनय जगत में अपनी पहचान बनाई। अपनी मां की तरह ही काजोल भी बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हैं। बॉलीवुड की चुलबुली अभिनेत्री सारा अली खान ने भी अपनी मां एवं अभिनेत्री अमृता सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए अभिनय को अपना कैरियर चुना और बहुत कम समय में बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई। दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर भी अपनी मां की तरह सफल अभिनेत्री बनना चाहती थी और अपने इस सपने को उन्होंने बखूबी पूरा भी किया। जाह्नवी ने बहुत कम समय में अपनी मासूमियत और सादगी भरे अभिनय से दर्शकों के दिलों को जीता है। इन सबके अलावा सोहा अली खान, ईशा देओल, ट्विंकल खन्ना, सोनाक्षी सिन्हा आदि समेत बॉलीवुड में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपनी मां के अभिनय करने की कला से प्रभावित होकर अभिनय को ही अपना कैरियर चुना और अपनी खास पहचान बनाई। बस
अंत में यही कहूंगी, माँ तुझे प्रणाम। करते रहिए काम और बोलते रहिए जय श्री राम, लेकिन साथ में सुनते भी रहिए रेडियो हिंदुस्तान। और हाँ दोस्तों, सबको सिखाइए, पानी बचाइए।